Hello there, KP fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel, guys. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए या सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या फिर दोनों यूज करना चाहिए, क्या चीज बेटर है या फिर दोनों ही नहीं यूज करना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर इन टुडेज वीडियो. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. ओके, सो यूजुअली ना मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, डेली बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट आ ही जाता है, रिगार्डिंग स्किन केयर कि हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, मॉइस्चराइजर पहले लगाना है या सनस्क्रीन पहले लगानी है, या फिर जरूरी है कि मॉइस्चराइजर लगा लिया तो सनस्क्रीन भी लगाओ या फिर अगर सनस्क्रीन लगानी है तो मॉइस्चराइजर भी लगाओ. सो इतने सारे क्वेश्चन है एंड दे आर सो कन्फ्यूजिंग. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर इन टुडेज वीडियो. गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ सबको शेयर करूंगी, व्हाट आई नो एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस ऑन माय स्किन, माई सेल्फ. ठीक है, सो अगर आपकी स्किन पे कुछ और वर्क करता है तो प्लीज डू नॉट माइंड जो मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है कि वॉट इज अ मॉइस्चराइजर एंड वॉट इज अ सनस्क्रीन. मॉइस्चराइजर क्या है एंड सनस्क्रीन क्या है. मॉइस्चराइजर बेसिकली क्या होता है ना, मॉइस्चराइजर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जेल फॉर्म में हो सकता है, क्रीम फॉर्म में हो सकता है, लोशन फॉर्म में हो सकता है, जो आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे ड्राइनेस को रिड्यूस करने के लिए. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आते हैं, हम बाहर जाते हैं फेस वॉश करके, हमारी स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है. ठीक है, ड्राइनेस आ जाती है या फिर बिल्कुल फ्लेकी फ्लेकी लगने लग जाती है हमारी स्किन. उसको हटाने के लिए हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना पड़ता है. जिस तरीके से हम अंदर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, हमें अपनी आउटर स्किन को भी हाइड्रेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर या फिर आप लोशन बोल सकते हो, जो भी आप चाहो. ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो मॉइस्चराइजर्स आपको क्रीम फॉर्म में मिल जाते हैं. ठीक है, या फिर आपको ये होता है कि ना, क्रीम थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की होती है, मॉइस्चराइजर थोड़ी सी लाइट कंसिस्टेंसी की होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होते हैं आपको फेस पे, तो आपकी ओवरऑल जो डिहाइड्रेशन होती है ऑन द स्किन, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर स्किन, ठीक है, तो उसको वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट सनस्क्रीन, सनस्क्रीन बेसिकली क्या करती है, आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसका मेन फोकस जो है वो आपकी बॉडी को या आपके फेस को हाइड्रेट करना नहीं होता मेन फोकस, वो मेन फोकस होता है मॉइस्चराइजर का. सनस्क्रीन का मेन फोकस होता है आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. यूवी ए रेज, यूवी बी रेज, ब्लू लाइट, कोई भी टाइप की लाइट जो होती है या रेज होती है, उनसे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. केमिकल्स सनस्क्रीन एंड फिजिकल सनस्क्रीन, दीज आर द टू टाइप्स जो आपको टाइप की सनस्क्रीन मिल जाती हैं. एक आपको डायरेक्टली अपने फेस पे लगानी होती है और एक आपकी स्किन में इंटरनली वर्क करती है. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ लोशंस. ठीक है, सो डू यू ऑल्सो फील दैट आफ्टर अ सर्टेन एज आपका स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा सैगी लगने लग जाता है, बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लग जाते हैं. इफ यू डू सो, इट इज बिकॉज द लैक ऑफ कोलाजन इन योर स्किन. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, कोलाजन जो है आपकी स्किन में कम होता जाता है. सो आई हैव अ परफेक्ट थिंग फॉर यू गाइज, दिस इज द 1% कोलाजन डेली फेस सीरम क्रीम फ्रॉम द ब्रांड डर्माको. इट इज फॉर प्लम्प एंड टाइट स्किन. बेसिकली इट हैज कोलाजन पेप्टाइड इन इट विच मेक्स योर स्किन a lot more youthful by making it firmer and also helps in reducing your wrinkles and marks and also reduces the dryness in your skin. What you need to do is after cleaning your face, apply a adequate amount on your face and neck. You can use this cream on everyday basis. It actually makes your skin feel so much plump and also makes it tight. Uses the signs of aging and the best thing guys, it is totally fragrance free and sunscreen is must. We should never skip our sunscreen. So I have this 1% hyaluronic sunscreen aqua gel. So this particular sunscreen has hyaluronic acid in it, which basically वो करता क्या है, वो आपके fine lines को कम कर देता है, आपके wrinkles को reduce कर देता है. It also has antioxidant and skin replenishing properties. Apply it on your face and neck area, avoid the eye area and again आप इसको everyday use कर सकते हो after every 4 hours. So ये basically क्या करता है, ये fight करता है sun damage को and आपकी skin को extremely soft कर देता है like butter. Guys, I will highly recommend कोई भी new product use करने से पहले you should definitely do a patch test. Dermaco is a dermatologist design brand and ये आपको available हो जाता है on Amazon, Nykaa, Flipkart and the official website of Dermaco. एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे स्टाइल्स 2022 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डर्माको. सो स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्दी स्किन विच नीड्स नो फिल्टर एट डर्माको.
सो हमने ये बात कर ली कि सनस्क्रीन क्या होता है, मॉइस्चराइजर क्या होता है एंड ये मेन काम क्या करते हैं. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, लाइक किस वे से अप्लाई करना होता है एंड इसका एक सीक्वेंस का है क्या है कि लाइक आपको मॉइस्चराइजर पहले अप्लाई करना है या सनस्क्रीन. सो अगर हम नॉर्मल बेसिस की बात करें, नॉर्मली जिस तरीके से लोग अपना स्किन केयर करते हैं, हमेशा हम मॉइस्चराइजर पहले अप्लाई करते हैं एंड सनस्क्रीन हम उसके आफ्टरवर्ड्स अप्लाई करते हैं. द रीजन बीइंग पहले जो हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस है वो प्रॉपरली हम रिमूव कर लेते हैं कि हमारा फेस जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड लगे एंड देन वी प्रोटेक्ट आवर फेस फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेज. इसके लिए हम अपनी सनस्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अब ये होता है ना कि मतलब आप इतनी वीडियोस देखोगे ना, हर किसी में अलग क्वांटिटी बताते हैं कि आपको इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए या ज्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए. गाइस, क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन योर टाइप ऑफ स्किन. अगर आपको आपने एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर लगा लिया बट अभी भी आपकी स्किन जो आपको ड्राई फील कर रही है, यू आर यूजिंग दैट राइट टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर, फिर भी अगर आपको आपकी स्किन ड्राई फील हो रही है तो आप थोड़ा सा और लगा सकते हो. तो क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन योर स्किन. सनस्क्रीन में आपको सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी लेनी होती है बिकॉज यू डू नॉट नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन ऑन योर फेस, ठीक है. मॉइस्चराइजर में अगर आप बात करो कि आप किस तरीके से अपना मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हो, अगर आपका स्किन टाइप जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, ठीक है, हर मौसम में आपका फेस जो बहुत ज्यादा ड्राई लेता है, तो आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो आपके फेस को प्रॉपरली हाइड्रेट करे. लाइक जो थोड़े से थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं या फिर ऐसे मॉइस्चराइजर जिनके ऊपर मेंशनड होते हैं कि हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स हैं मेंट फॉर ड्राई स्किन, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए. अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ऑयली स्किन है तो आपको ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए या तो जो जेल बेस्ड हो या फिर वाटर बेस्ड, बिकॉज जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लाइट वेट होते हैं एंड उनकी हेल्प से आपको फर्स्ट थिंग आपका फेस बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि हैवी हैवी लग रहा है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी, एंड सेकेंडली आपका फेस जो है वो हाइड्रेटेड भी हो जाएगा. लाइक जितनी हाइड्रेशन आपके फेस को चाहिए फॉर कंट्रोलिंग दैट एक्सेस सीबम वो भी आपके फेस को मिल जाएगा. एंड इफ यू हैव अ काइंड ऑफ फेस जिनका सिर्फ टी जोन एरिया ऑयली है, टी जोन एज इन हमारा फोरहेड, हमारी नोज, हमारा ये वाला एरिया एंड हमारा चिन, लाइक जो ये टी फॉर्म होता है, अगर आपका ये वाला एरिया ऑयली है तो आपको इस तरीके एंड बाकी आपका नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन जिसको हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बोलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए जो क्या करें आपके फेस को हाइड्रेट भी करें बट एट द सेम टाइम आपके फेस को ड्राई ना करें. लाइक एक्सेस लेवल पे ड्राई ड्राई वाला काम ना कर दें कि आपका लाइक बिल्कुल ही आपको फेस अजीब सा फील होने लग जाए एंड इतना भी हैवी मॉइस्चराइजर ना हो कि आपका जो ऑयली एरिया वो और भी ज्यादा ऑयली होने लग जाए. फॉर दोज हु हैव सेंसिटिव स्किन, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन एंड मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूंगी कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर सकते हो. नाउ इफ वी मूव ऑन सनस्क्रीन, सनस्क्रीन का भी गाइज सेम केस होता है. अगर आपका ऑयली स्किन है यू शुड गो फॉर समथिंग जो बहुत ही ज्यादा लाइट हो, लाइट सनस्क्रीन हो, वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन हो, एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आपको थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी वाला यूज करना चाहिए बिकॉज हर प्रोडक्ट में मेंशन होता है कि ये सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं. या गाइस, आई होप ये जो थोड़ी बहुत आपकी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका क्लियर हो गया होगा. एंड इफ यू डू प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.